वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। दोस्तों मैं आज आपको काजू का जंगल बताने वाला हूँ। जी हाँ, जो ड्राई फ्रूट्स जो आप लोग खाते हैं उसमें काजू का एक अनोखा जंगल बताने वाला हूँ और आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। काजू का ऐसा जंगल जो हमारे मध्य प्रदेश के घनसौर गांव के उसमें हो रहा है और इतना अच्छा मतलब उसमें फल आता है और बहुत कम पानी में, मतलब जो सो ड्राई एरिया है जहाँ पत्थर या मुरम रहती है, जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में रहता है, वहाँ पे काजू हो रहा है। उसका बहुत बड़ा जंगल लगाया गया है। 60 से 65 किसानों के द्वारा ये पौधरोपण किया गया है और ये जो पूरा रकबा होगा हमें लगता है कि 70 से 75 एकड़ के आसपास ये पूरे रकबे में। देखिए मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ आसपास के एरिया में पूरे काजू काजू के। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे निखिल सर, सीनियर साइंटिस्ट सीयूनी केवीके के वंदे गौ मातरम सर, उनसे मिलाना चाहूँगा। हमारे भाई साहब है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैं बायो संस्था से भूपति दीक्षित, और इन्होंने ही काजू का जंगल डेवलप किए हैं और हमारे साथ जो किसान हैं जो इस एरिए में काजुओं को लगाए हैं और इंटरक्रॉपिंग कराए हैं। तो आगे की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। प्रणाम वंदे गौ मातरम। प्रणाम सर, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में सर। देखिए आज हम लोग जहाँ पे जिस गांव में खड़े हैं, ये घनसौर विकासखंड का पनारझीर गांव है। पनारझीर, और इस गांव के हमारे किसान भाई लोग भी हैं और साथ में दीक्षित साहब हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं काजू की खेती का, तो भारत जो है पूरे दुनिया में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा काजू उत्पादक का। अच्छा जी जी जी। और ये जो काजू की खेती हो रही है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी प्रकार की खेती की जा सकती है, वहाँ पे इस प्रकार से मुरम पथरीली बंजर जमीन में काजू के पौधे लहला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और काजू की खेती से जो आप जानते हैं कि काजू की खेती ड्राई फ्रूट जो हम लोग बोलते हैं उसमें एक बहुत बड़ा स्थान रखता है काजू। बिल्कुल सर। और काजू की खेती जो हमारी ये आदिवासी किसान भाई कर रहे हैं, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत इन्होंने जब की थी, हमको लगता है 2012-13 से इस काजू की खेती की शुरुआत की थी। उस समय इस जो जगह हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पे किसी प्रकार की खेती नहीं होती थी। यहाँ पे एक प्रकार से जंगल था और बड़ी बड़ी घासें उगती थी। लेकिन उस जगह को जब काजू का पौधा लगाया गया, आप देख रहे हैं कि काजू की जो एक किस्म है वेनेगुला 4 किस्म है। वेनेगुला 4 जी। और सिवनी जिले के लिए हम बात करें तो सिवनी जिले के लिए दो ही किस्म है जो काजू के लिए अनुशंसा की गई है। उसमें सबसे पहली किस्म है वेनेगुला 4 और दूसरी है वेनेगुला 7। अच्छा। ये जो दो किस्में हैं ये सिवनी जिले की यहाँ का जो वायुमंडल वातावरण है और ज़मीन है, ये काजू की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। अब देखिए कि सिवनी में जब इस प्रकार से अगर हम पौधे लगाते हैं जहाँ पे हम किसी प्रकार की खेती कल्पना नहीं कर सकते, तो उस जगह पे हम काजू की खेती करके और आसानी से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो सर मैंने ये सुना हूँ कि जैसे काजू हर जगह पैदा नहीं होते, लेकिन आप बता रहे जैसे जो 4 वैरायटी और 7 वैरायटी है, तो सिवनी में ये देख भी रहा हमको, देखिए कितना अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये काजू का पेड़ है और कितना अच्छे से हुआ है। और यहाँ पूरे पत्थर का एरिया है, मतलब एक तरीके से पहाड़ी एरिया जहाँ मतलब ढलान बनी हुई है, पहाड़ की ढलान है, वहाँ पे इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। तो सर पहले तो हम लोगों का सोचना था कि ये जो काजू होता है ये ठंडी जगह होती होंगी या इस तरीके की, मतलब नॉर्मल लोगों की सोच थी, लेकिन आज आपका जो काजू का जंगल दे रहा है, तो सबसे पहले कितने एरिए में लगा है सर और ये कैसे इसका ऑपरेशन हो रहा है? ये जो हमारे किसान भाई हैं ये बायो संस्था की मदद से इन लोगों ने एक एक किसान भाइयों को 40 काजू के पौधे और 20 आम के पौधे अच्छा उपलब्ध कराए थे जी, ताकि शुरुआती अवस्था में इस काजू की खेती यहाँ पे देखा जा करके किस प्रकार से काजू का उत्पादन हो रहा है। जी जी। तो काजू की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे इसकी जो खेती थी रायपुर, जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ का हमारा बेल्ट था, बस्तर, वहाँ पे काजू की खेती बड़े पैमाने पर आज हो रही थी। जी जी। और वही क्लाइमेट जो है हमारे बालाघाट, सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा। अच्छा जी। ये जो 4 जिले हैं ये हमारे भारत सरकार के द्वारा काजू की खेती के लिए चिन्हित भी किए गए हैं। जी जी जी। ये 4 जिलों में भारत सरकार की एक परियोजना के अंतर्गत किसानों के खेतों पे काजू के पौधे भी लगाए जा रहे हैं, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा पौधे भी दिए जा रहे हैं, ताकि किसान अधिक से अधिक जहाँ भी उनकी बंजर मन मुरम जमीन है जिसमें किसी प्रकार की खेती नहीं हो रही है, वहाँ वो काजू लगा के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर। इस एरिया में कितना लगा है सर? ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में करीब हमको लगता है कि 60 से 65 किसानों के द्वारा ये पौधरोपण किया गया है और ये जो पूरा रकबा होगा हमें लगता है कि
70 से 75 एकड़ के आसपास ये पूरे रकबे में। देखिए मैं जिस एरिया में खाऊँ आसपास के एरिया में पूरे काजू काजू के पेड़ और साथ में सह फसल में या मिश्रित फसल में इसमें हमको आम भी दिख रहा है, जैसे केसर वैरायटी और बहुत अच्छी वैरायटी दिख रही है और काफ़ी अच्छे फले हुए भी हैं, तो काफ़ी बड़े एरिया में हो रहा है। अच्छा सर, किसानों का सबसे पहले एक सवाल रहता है कि जैसे एक तो यहाँ फसल नहीं होती तो इन्हें काजू की फसल ले लिए और ये बहुत कम पानी में हो जाता है सर, और इस पर फ़ायदा कितना हो सकता है सर? देखिए पहला सबसे पहले जो किसान भाई अभी ये साथ में खड़े भी हैं, आप लोग जानते हैं कि इस जमीन पे तो कुछ होता ही नहीं था जी, तो इनकी वेस्ट लैंड थी एक तरीके से देखा जाए तो खराब जमीन मान के जी जी, इसको इन्होंने छोड़ के रखा था जी जी। लेकिन जब बायो संस्था की मदद से यहाँ पे और हम लोगों के तकनीकी मार्गदर्शन में जब यहाँ पे ये काम शुरू हुआ और पौधे लगाए गए, तो शुरुआती अवस्था में इनको थोड़ी मात्रा में गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता पड़ती है कि पौधा तभी जीवित रह सकता है जब उसको हल्की मात्रा में पानी हम देंगे जी। तो पानी के लिए यहाँ पे टपक सिंचाई पिचर इरिगेशन मटके में मतलब छेद करके और पौधे के पास लगाए गए थे और वो बूंद बूंद पानी पौधे को मिल रहा था, इससे पौधा हमारा सर्वाइव किया कर गया। और आज आप देख सकते हैं कि जब ये 5-6 साल के ऊपर की समय हो गया, 8 साल, और ये पौधे आसानी से आपके अच्छे गुणवत्ता वाले काजू। और मेरे को ये जो पेड़ दिख रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा काजू काजू चारों तरफ दिख रहा है, तो सर एक पेड़ से कितना काजू निकल जाता है लगभग? एक पेड़ से औसत जो उत्पादन मिल रहा है हमारे किसान भाइयों को 18 से 20 किलो काजू उसमें उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हमारे किसान भाई इनका कम भी आ रहा है, जो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे, 8 से 10 किलो तक भी आ रहा है जी जी। अधिकतम 18 से 20 किलो तक काजू इसमें प्राप्त हो रहे हैं एक पौधे जी जी जी। जो हमारा अच्छे तरीके से पौधे जो आप देख सकते हैं जो बड़े पौधे हो चुके हैं किसान भाइयों के जी जी, इसमें 18 किलो तक काजू इनको प्राप्त हो रहा है और ये अच्छी गुणवत्ता का काजू है। इसको अभी चूंकि प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं है तो ये हमारे किसान भाइयों के द्वारा स्वतः व्यापारियों को बेचा जाता है जी जी जी। तो क्या रेट में बिकता है सर ये? ये जो काजू हमको लगता है, जैसा मैंने चर्चा किया किसान भाइयों से, बता रहे थे कि 100-150 रुपये तक किलो, 150 से 200 रुपये प्रति किलो की दर से ये बिना प्रोसेस किए ही इसको बिक्रय कर देते हैं। एक एकड़ में मेरे ख्याल से लगभग जैसे इसको कितने बाई कितने मीटर में लगाना पड़ता है सर? काजू की जो लगाने की एक दूरी बनाई गई है वो 7.5 मीटर, कम से कम 7.5 मीटर, और ये जो यहाँ पे पौधे लगाए गए 8 मीटर की दूरी पे लगाए गए हैं। 8 बोले तो लगभग 24 से 25 फीट में, और बीच में एक फसल और भी ले लेते हैं। हाँ, ये कतार से कतार और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 8 मीटर की है। बीच में चूंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पथरीली जमीन है, आप देख सकते हैं पूरे पत्थर है जी जी। और तो इसमें अभी जो इंटरक्रॉप के रूप में ये लोग बेल वाली सब्जियां कुछ मंडा बना के इस प्रकार सब्जियों की खेती कर लेते हैं, तो उससे एक अतिरिक्त आय मिल जाती है सब्जी का उत्पादन। आम भी दिख रहे हैं बहुत सारे सर। आम में यहाँ पे जो लगाया गया इनके द्वारा ये केसर वेराइटी लगाई गई है, चौसा लगाया गया है और रतलाम की जो वेराइटी वो लगाई गई है, 2-3 प्रकार के आम की जो। अच्छा, भारत के दूसरे कोने में लग सकते हैं सर ये पेड़? ये जो काजू की खेती हमने बताया था कि आपको सिवनी जिला हो गया, छिंदवाड़ा है, मंडला है, बालाघाट, 4 जिले चिन्हित किए गए हैं यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में तो वैसी बहुत सी जगह होती है। छत्तीसगढ़ में तो रायपुर, बस्तर और आपका दंतेवाड़ा, ये पूरी जगहों पे व्यावसायिक रूप से किसान का। और नॉर्मल कोई दूसरी जगह लगाएगा तो वहाँ नहीं हो पाएंगे कैसे? नॉर्मल अपने जिले में कहीं भी लगा सकते हैं हम, जहाँ पे भी हमारी वेस्ट लैंड है, पथरीली जमीन है, मुरम जमीन है या अच्छी जमीन है, कोई भोपाल और आसपास लगाना चाहे वहाँ पे अभी इसका प्रायोगिक तौर पे वो पौधे लगा के देखा जा सकता है, कम से कम 20-50 पौधे लगा के किस प्रकार का परिणाम मिल रहा है। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वहाँ पे भी इसकी खेती संभव हो सकती है। तो मतलब सर एक एकड़ में कितने पेड़ लग सकते हैं लगभग उस हिसाब से? ये एक एकड़ पे आप 7.5x7.5 मीटर की दूरी पे अगर हम लगा रहे हैं तो हमें लगता है इसका कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कितने पौधे आ रहे हैं। करीब 70 पौधे आ सकते हैं। और बीच में आम के कितने जाएंगे? 70 पौधे टोटल आए, जिसमें से आम रेशियो। अच्छा, मतलब 20 पौधे आम के लगा लीजिए और 50 काजू के। तो जैसे भाई साहब जैसे 50 काजू के लगे तो एक बार में लगभग कितने में बिक जाता है, एक अंदाजा लगाए अपन तो? अगर उसका उत्पादन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो 10 किलो भी मान लिया जाए कि दे रहा है पौधा, एक पौधा आप कह रहे हैं 10 और 20 के बीच, हम बीच का मान लेते 15 किलो, 15 किलो, तो 150 रुपये के हिसाब से आज का जो है रेट 150 से 200 रुपये है, तो मिनिमम अगर 150 रुपये भी पकड़ रहे हैं तो 50 पौधे का एक बाड़ी से 150 मतलब 15 किलो निकल रहा है और 2300 रुपये का, 2300 रुपये का एक पौधे से मिलेगा। और अगर 50 लगे तो कितना हो जाएगा लगभग? वो लगभग वो 1 लाख के आसपास। तो 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तक का आ सकता है और बहुत कम पानी में ही पैदावार हो जाती है, क्योंकि इसमें लागत बिल्कुल कम है। एक बार पौधा सर्वाइव हो गया तो फिर लागत लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेंटेनेंस
बहुत कम है, दो बार तीन बार निराई गुड़ाई कर देने से पौधा अच्छा सर्वाइव हो जाता और है। रोग, रोग कोई लगता नहीं है इसमें। देखिए इसमें रोग बहुत कम लगता है, इतनी हवा धुंध चली है लेकिन ये पौधे बहुत कम गिरते हैं। जैसे किसान भाइयों द्वारा बताए गए हैं कि ये पौधे भी कम गिरते हैं, और उसके अलावा कहते हैं अगर रात को आप ब्रश नहीं करते और आप काजू खा लेंगे तो दांत के पूरे बैक्टीरिया भी ठीक हो जाएंगे। तो इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा है। और मैं जहाँ देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही है, वहाँ दूर दूर तक काजू और आम के ही पेड़ मुझे दिख रहे हैं। सर और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे सर कि जैसे ये अवेलेबल कैसे होगा, जैसे किसान भाई लगा लगाना चाहते हैं इसको? देखिए जो काजू की खेती, अगर जो हमारा हमारी ये सलाह है कि जो भी किसान भाई इनकी वेस्ट लैंड है और किसी प्रकार की जहाँ पे खेती नहीं कर रहे हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि काजू की खेती में जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पानी का भरवाव होता है तो पौधे में मोर्टलिटी बड़ा ज़्यादा आएगी, मरने की समस्या आएगी। तो जिस भी जगह पे काजू की खेती का हम चुनाव करें, वहाँ पे एक ऐसी जगह हो जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। जी जी, जब हम पौधे लगा रहे हैं उस समय पूरे प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए जल निकास। उसके बाद अगर हम शुरुआत जब इसकी करते हैं तो सबसे पहला इसका जो तरीका होता है कि 60x60 का मतलब 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा करना चाहिए। अच्छा, और इसको गर्मी के दिनों में ही अप्रैल लास्ट के महीने से इसकी तैयारी शुरू जानी चाहिए, अप्रैल के दूसरे सप्ताह से। और हम इसमें लेआउट करके इसका मार्केशन कर देते हैं, और 7.5 मीटर मिनिमम दूरी और अधिकतम 10 मीटर दूरी पे हम इसको लगाते हैं, कतार से कतार और पौधे से पौधे। तो उस प्रकार से हम गड्ढे भी गर्मी के दिनों में अगर कर देते हैं तो गड्ढों में जो तेज़ धूप पड़ती है उसमें किसी प्रकार की दीमक की समस्या है, हमारे खरपतवार के बीज होते हैं वो तेज़ धूप से ख़त्म हो जाते हैं और हमारा गड्ढा पूरे तरीके से सौरीकरण हो जाता है उस गड्ढे का। अगर वहाँ पे अगर दीमक की समस्या है तो दीमक की समस्या के लिए हम नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरीफास 50cc जो दवा आती है उससे हम ड्रेंचिंग कर दें गड्ढों में। जी, और अच्छी सड़ी पकी गोबर की खाद या केचुआ खाद, जितनी हमारी मिट्टी उस गड्ढे से निकली है उतनी मात्रा में हम उसमें गोबर की खाद या पकी सड़ी केचुआ खाद मिला के और गड्ढे को भर के और बारिश के समय में पौधे लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 किस्में अपने ज़िले के लिए बहुत अनुशंसित है, एक वेनेगुरला 4 और वेनेगुरला 7। ये जो 2 किस्में हैं इनके पौधे आज जो काजू का अनुसंधान केंद्र है जगदलपुर में वहाँ पर भी उपलब्ध है, और जो छत्तीसगढ़ में जो अन्य संस्थान जो इस पर कार्य कर रहे हैं इन जगहों पे पौधे इसके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो भी किसान भाई चाहे उनका सर कांटेक्ट नंबर है, संपर्क नंबर है, उस पर कांटेक्ट करके पौधे मंगा सकते हैं। और अभी जैसा मैंने बताया कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा भी इसके पौधे किसानों को दिए जा रहे हैं, सीजन में जब सीजन आता है उस समय अगर ये पंजीयन कराते हैं तो इनको उस पोर्टल में पंजीयन करा के भी पौधे प्राप्त कर सकते हैं और लगा सकते हैं खेतों में। ठीक है सर, तो मतलब इसकी खेती करना चाहिए और जहाँ पानी कम है या वहाँ बहुत अच्छे से हो सकती है सर? बहुत अच्छे से, देखिए ना जहाँ पे खेती करना संभव नहीं है तो वहाँ पे अगर हम काजू की खेती कर लेते हैं और काजू को एक निश्चित दूरी पे लगाते हैं तो कम से कम हमको 12 से 15 किलो भी काजू अगर मिल रहा है एक पौधे से, तो 15 किलो काजू हमारा अगर बिक रहा है 150 रुपये किलो तो 2200-2300 रुपये की हमको आमदनी हो रही है, और 1 एकड़ से कम 1 लाख रुपये की आपको इसमें बचत हो रही है। तो शुरुआत अवस्था में केवल हमें 2 से 3 साल तक पौधों को जीवित रखने के लिए सिंचाई करना बहुत जरूरी है, उसमें भी हम पिचर इरिगेशन मटका लगा के और पानी भर के बूंद बूंद पानी के द्वारा पौधे को जीवित रख सकते हैं। तो आपने देखे होंगे कि काजू की जो होती है वो लाल मिट्टी मुरम वाली जगह में होती है, पानी का बहाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम पानी में बहुत अच्छी हो सकती है। शुरू के 3 साल आपको उसका ध्यान रखना है, 4थे साल से फसल मिलना चालू हो जाएगी। और कितने साल तक मिलेगी सर ये? 4थे साल से आपकी जो व्यावसायिक उत्पादन है 4थे से 5वें साल से शुरू हो जाता है जी, और ये आपको निरंतर 10 से 15 साल तक मिलता रहेगा। उसके बाद जब ये पौधे थोड़े पुराने हो जाते हैं तो पुराने पौधों में हम इसमें थोड़ा कटाई छटाई करते रहें, टॉफ वर्किंग करते रहेंगे तो फिर से हमारी नई शाखाएं रहेंगी और नए पौधे एक तरीके से तो मतलब बहुत लंबे समय तक इसका हमको मिल सकता है। कम तो देखिए आज आपको ये देखना पड़ेगा कि जो काजू है ड्राई फ्रूट्स होते हैं कैश्यू जिसको हम कहते हैं, ये आप अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैसे ही बहुत होता है यहाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फसल होती है, इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। सह फसल में, मिश्रित फसल में आप इसके बाजू में आम या दूसरी फसल या सब्जियां भी ले सकते हैं। तो काजू का जंगल मैं आज आपको दिखाने लाया था और मैं पूरी टीम को हृदय से प्रणाम बोलूँगा कि इतनी अच्छी जगह और इतनी अच्छी खेती दिखाने के लिए। किसान भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना अच्छा अपना खेत दिखाए और भाई साहब ने भी पूरी हमको इन्फॉर्मेशन दी और इतना अच्छा घुमाए, और बाकी अब आपको कैमरे के साथ से पूरे पेड़ पौधे और इसके काजू देखने को मिलेंगे। और इसकी प्रोसेसिंग यूनिट जबलपुर या बड़े शहरों में आसपास रहती है,
क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बड़ी होती है, नहीं तो ये 600 से 1000 रुपये किलो तक काजू हमारा बिकता है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद इसको आप बेच सकते हैं, ऐसा प्रोसेसिंग कर नहीं सकते हैं। और जो बड़े स्तर में लगाते हैं उसके लिए बड़ी बड़ी छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है सर, तो उस पर काफ़ी अच्छे रेट में बिक जाता है। हाँ, जहाँ पे इसको अगर प्रसंस्करण करते हैं तो प्रसंस्करण के बाद काजू का रेट हम लोग देखते हैं कम से कम मिनिमम 600 रुपये किलो तो इसका रहता ही है, और लो रेट है, सबसे निम्न का जो इस तरह का रेट रहता है। उसके बाद अधिकतम रेट इसका 1100 रुपये तक जाता है, तो आसानी से फिर हम उसको अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चूँकि अभी धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में जब क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा काजू का, तो यहाँ पे प्रसंस्करण इकाई भी आगे शासन के द्वारा लगाई जाएगी, तो किसान भाइयों का प्रसंस्करण भी हो सकता है इससे। देखिए लगभग 70 एकड़ में लगे हुए हैं ये आम, और इसका 20 आम है तो 50 पेड़ इसके प्रति एकड़। और ये देखिए कितने ज़्यादा फल है, वेन्यूला 4 के नाम से ये प्रजाति है, जो बहुत अच्छी वेराइटी है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पूरे पेड़ फलों से भरे हुए हैं, मतलब अद्भुत है ये, और इतने कम पानी में ये हुआ। तो आज मैं आपको काजू की खेती के बारे में बताया, जो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो पूरी दुनिया में काजू सप्लाई करता है, और आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से काजू लगा सकते हैं। 600 रुपये किलो से लेकर 1000 रुपये किलो तक ये मार्केट में बिकता है पूरी प्रोसेसिंग के बाद। तो काजू की खेती देख के आज आपकी आत्मा खुश हो गई होगी, किसान भाई लोग इसको भी थोड़ी थोड़ी जगह अपने उसमें लगा सकते हैं और बहुत समगुण संपन्न हो सकते हैं। जय हिंद।